ये तो बहुत एक्सपेंसिव लग रही है, पश्मीना है ना कि ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, यही ना नताशा। आप बारात निकलने वाली है और पूरा परिवार शादी के रसम में जुटा है और ढोल धमाके के साथ सब नाच रहे हैं और चीकू भी बहुत खुश है, पर नताशा के मन में चल रही है तूफान और सुमन को एहसास हो जाता है कि नताशा बहुत दुखी है। और नताशा तो जैसे एक तूफान से निकल कर आई है, जहां उसके मन में चल रही है हलचल संदीप के खराब इरादों की वजह से, जो अचानक से उसे ये एहसास दिलाता है कि संदीप वाकई में एक बहुत ही गलत इंसान ही नहीं बल्कि एक ऐसा आदमी है जिसे इस वक्त नताशा का सिर्फ गलत फायदा उठाने में ही मजा आ रहा है। और नताशा को बार बार संदीप की गलत कदम याद आ रही है कि कैसे संदीप उसके साथ गलत करने का ठान के रखा है, और जहां एक तरफ उसे कीमती पश्मीना का शॉल उड़ाता है, उसे जबरदस्ती गले लगाता है और पकड़ता है बार बार, और जब नताशा उसे संदीप भैया कहकर पुकारती है तो मानो जैसे संदीप का गुस्सा तो सातवें आसमान पहुंच जाता है। पर क्या नताशा संदीप की कही गई हर बात उसके बारे में कि वो एक छोड़ी हुई औरत है, कि उसे एक मर्द की जरूरत है और उसकी आंसू संदीप से नहीं देखा जाता, क्या ये सब बातें नताशा से सहन होती है? बिल्कुल भी नहीं। और जहां धवल सिर्फ नताशा को ही देखते रहता है और उसे नताशा की फिक्र हो रही होती है, वहीं अमरेश भी देखता है कि धवल सिर्फ नताशा का ही हो सकता है और ये शादी सुहानी के साथ सिर्फ एक समझौता बन जाएगा। पर उधर नताशा और धवल की आंखें मिलती है और मानो जैसे दोनों एक दूसरे की मन की बात समझ रहे हो और जवाब भी दे रहे हैं एक दूसरे को। पर जिस संदीप को नताशा ने अपना बनाने का ठान रखा है, क्या अब नताशा के साथ कुछ ऐसा करेगा जिसके चलते धवल अब उठाएगा एक बड़ा कदम? देखते रहिए पांड्या स्टोर के धवल और नताशा की अनकही प्रेम कहानी, जिसमें प्यार, दर्द और आंसू सब ही झलकता है। पर क्या ये दोनों एक हो पाएंगे? तुम सही थे धवल, संदीप सच में अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन अगर तुम इतने ही सही हो तो फिर ये शादी करने की गलती तुम कैसे कर सकते? मत करो ये शादी धवल। मुझे नहीं पता नताशा क्या सही है क्या गलत, पर मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो कमजोर पड़ जाता हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ।